Muhammad Anwar lost both his hands in an unfortunate incident in 1986. He used to own a copper processing factory where the incident occurred. This is his story. मेरा अपना ढलाई का कारखाना था, कास्टेडिंग, लोहिया, पीतल, तांबा, सिल्वर, इसको हम गला के पुर्जे वगैरह बनाया करते थे। ऐसा वो हम जा रहे थे शिकार पर, मछली के शिकार के ऊपर। तो मेरा जो काम था, कॉपर का काम चल रहा था सोचा। तो कॉपर के काम के अंदर एक केमिकल डालता था उसके अंदर, टैंकों के अंदर डालते हैं, गंदक गंदक बोलते हैं उसको। अपने डब्बे को ऐसा करना चाहिए, पेचकस ऐसा करना, मैं खोल रहा था ना तो पेचकस स्लिप हो गया मेरे से जल्दी जल्दी के चक्कर में, समझे। वो उसको केमिकल को जाकर लगा, केमिकल को लगा तो उसके अंदर आग लग गई। ये क्या हो गया, ये तो आग लग गई बहुत तेज। तो मैंने उठा के उसको दूर फेंका ना तो ब्लास्ट हुआ, वो फेंकने से जो ना ब्लास्ट हो गया, यानी कि दूर फेंकने से वो जब वो जैसे वो यानी कि इतना इतनी दूर भी नहीं फेंक पाया, तकरीबन जैसे यहाँ पे तुम्हारा कैम लगा ना इतनी दूर फेंक पाया हूँ, क्योंकि आग आग लगी हुई थी। ब्लास्ट हुआ तो सगाना में मेरा ये पूरा सगाना में ये हाथ ये पूरे में कपड़ों में आग, यानी कि पूरी डैमेज हो गया था। मैं सिविल अस्पताल ले गया था, उस जमाने में जो डॉक्टर जोकियो साहब थे हड्डी वार्ड के अंदर, समझे। ये 86 की बात है, उन्होंने चेक करा, चेक करने के लिए बोला इसको दाखिल को कराया, मेरे को कहने के लगे यार ये हाथ तो नहीं बचा सकाएंगे हम, ये तो तुम्हारे बेकार हुआ है। पर उस वक्त जब मेरे वो इस ये बात बोली, वो मकसद ये कि मेरा तो होश नहीं था, क्योंकि खून का बहुत निकल चुका था। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। फिर उसके बाद जैसा कहना उन्होंने क्या कार्रवाई करी, क्या नहीं कार्रवाई करी, बड़ा ये कि वो उन्होंने ये हाथ जो है ना निकाल दिए। जब मेरे ये हाथ सुन होने के बाद मुझे पता लग गया था कि ये हाथ नहीं है मेरे, तो मेरी कैफियत बहुत आउट हो गई थी। बहुत ज़्यादा मकसद ये कि मैं मुतासर हो गया था कि ये क्या हुआ। बड़ी मुश्किल से कहना 70-80 रुपए का ना खाना खाता 70-80 रुपए का खाना, समझे। और मैं रात को 1 से 1.5 बजे तक यहाँ से जाता हूँ, तुम कितना खाना खाओगे यार, कि क्यों मांगते हो, आखिर वजह क्या है। मेरा सब खाली इतना कहना उन लोगों से, और हाथ जोड़ के कहता हूँ कि खुदारा मेहनत करो और अल्लाह की इबादत करो, फिर देखो तमाशा। The Ministry of Social Welfare afforded Muhammad Anwar a soft loan facility to facilitate in his rehabilitation and employment after his unfortunate accident.